हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड क्राफ्ट विद स्नेहलता दुबे। आज मैं आपको प्रेशर कुकर में बिना लहसुन प्याज के सेम की सब्जी बनाना बताऊंगी। मैंने इंडक्शन पर अपना प्रेशर कुकर रख दिया है। हम इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम ऐड करेंगे 5 फोरन। मैंने 1 चम्मच 5 फोरन डाला है। थोड़ी सी डालूंगी हींग। मैंने अदरक को थोड़े बड़े टुकड़ों में चॉप कर लिया है, बहुत बारीक नहीं किया है। और इसमें मैं ऐड करूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च हम 1 डाल रहे हैं क्योंकि हमारी मिर्च काफ़ी तीखी है। हमारा 5 फोरन अब तैयार हो चुका है। हम ऐड करेंगे आलू। आलू को हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे और इसी के साथ हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और अपने मसाले। मैं 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ। करी पाउडर ऐड कर रहे हैं जिसमें गरम मसाला और धनिया मिक्स है 1 चम्मच। थोड़ा सा हम 1/2 चम्मच ऐड करेंगे कश्मीरी मिर्च और नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार यूज़ कीजिए। हम इसे 1 से 2 मिनट स्टर कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुका है और हम ऐड करेंगे अपनी सब्जी और इसे भी हम 1 से 2 मिनट स्टर कर लेंगे। अब हम अपनी सब्जी में ऐड करेंगे 2 टमाटर और टमाटर हमारे बड़े साइज के हैं और इसे मैंने बड़े टुकड़ों में काट रखा है क्योंकि हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे। हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं 50 ml वाटर और उसके बाद प्रेशर कुकर ढक देंगे। ढककर हम 1 सीटी लगने देंगे। 1 सीटी के बाद जब प्रेशर निकल जाएगा तब हम खोलकर धनिया ऐड करेंगे। हमारा प्रेशर निकल चुका है। हमने अपनी सब्जी को खोल दिया है। देखिए कितनी डिलीशियस बनी है और काफ़ी अच्छी है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा कोरिएंडर जो मैंने रफली चॉप किया है और अब अपनी सब्जी सर्व करना स्टार्ट करूंगी। मैंने अपनी सेम की सब्जी सर्व कर दी है। बिना लहसुन प्याज के बनाया है मैंने इसे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी एंड क्राफ्ट के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।